देखिए इंडिया गठबंधन ने भी खूब मेहनत करी, आंकड़ों को छूने की कोशिश की। इस बीच आप तक पहुंचा दे खबर कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस न्योते को उन्होंने स्वीकार लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने दावा जरूर किया था कि इस बार की जो सरकार होगी वो मोदी सरकार नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर होगी। कांग्रेस को 99 का आंकड़ा यहाँ पर जरूर मिला है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सत्ता पर एक बार फिर से मोदी सरकार कायम होने जा रही है। और नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने जा रहे हैं। इन तीन तस्वीरों के जरिए आप उस इतिहास को समझिए। 26 मई साल 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री वो इसी शपथ के बाद बन गए थे। फिर 30 मई 2019 को दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आपको याद होगा अमेरिकी सदन को दो बार संबोधित करने के बाद उन्होंने महान नेता नेल्सन मंडेला को की बराबरी यहां पर की थी। और आज शाम 7:15 एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और ये 6 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का तांता लगना शुरू हो गया है। 7 देशों के प्रमुख इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान होंगे, जिनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार और भूटान के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये वो देश है जिनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, पारंपरिक सांस्कृतिक भौगोलिक व्यापारिक संबंध है। हमने बहुत राष्ट्रों की मदद भी की है। हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते भी हैं कि पड़ोसी देशों के साथ आगे बढ़ना, उनकी मदद करना, चाहे वित्तीय तौर पर हो, व्यापारिक तौर पर हो, रणनीतिक तौर पर हो, बेहद जरूरी होता है। इसलिए शांति का संदेश हर बार दिया है और एक बार फिर से ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से उसी मजबूती के साथ एक बार फिर मोदी सरकार अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए देश के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाएगी। क्योंकि सिर्फ आर्थिक संबंधी या व्यापारिक संबंधी नहीं बल्कि पारंपरिक सांस्कृतिक भौगोलिक संबंधों को भी मोदी सरकार ने वो महत्ता यहां पर दी है। नेपाल रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है सेशल्स, जिसकी मदद हमने कई बार की है। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ भी हमारे बदलते वक्त के साथ घनिष्ठ संबंध होते चले हैं। मॉरिशस के साथ भी हमारे बेहतर संबंध वक्त के साथ हुए हैं। पिछले 10 सालों का जिक्र करेंगे तो हमने उन संबंधों में एक नई रूपरेखा भी पैदा की है। भूटान के साथ भी हमारे संबंध बेहतर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि शपथ से पहले मोदी सरकार का न्योता स्वीकार करने वाले और इसमें शामिल करने वाले जिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद है एक नई तस्वीर, एक नई नजीर पेश करती हुई यहां पर नजर आती है। क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ मजबूती नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता यहां पर हमेशा से रही है।